एक्सरसाइज 5.3 जो हल्के फुल्के क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड उसको छोड़ दे रहा हूँ। 1, 2, 3 आप कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एपी दे रखी है आपको और कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यहाँ जो आपकी फर्स्ट टर्म है दैट फर्स्ट टर्म इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 12 नॉट 12 8 और सम आपको दे रखा है 636। You are supposed to find out the number of terms. ऐसी वो पिक्चर बन रही है। तो यहाँ पर 636 is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 d यानी कि 8। अब n का वैल्यू पता नहीं है तो उसकी जगह n ही रख दिया मैंने। अब ये 2 आप इस तरफ भेज दो, जो 2 आप नीचे डिवाइड में देख रहे हो RHS में n के नीचे, उसको आप LHS में भेज दो, क्योंकि डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 1, 2, 17 इज इक्वल टू n इनटू 18 प्लस 8n माइनस 8। 1, 2, 7, 2 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, 8n स्क्वायर माइनस प्लस 10n प्लस 10n वैसा हो जाएगा। सारी वैल्यूज एक तरफ ले आते हैं, आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन फैक्टर आप यहां पर आता हो देख रहे हैं दैट इज 2, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर देते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर फैक्टराइज करेंगे, क्या करना है आपको, आपको माइनस का 636 मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। इसके आपको ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनका सम या डिफरेंस प्लस का 5 हो। सो एज यू कैन सी आपका जो एसी है वो नेगेटिव है, यानी कि जो दो फैक्टर आपके होंगे वो दो फैक्टर कैसे होने चाहिए, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। आपका प्रोडक्ट जो है वो माइनस का है, तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव और दोनों फैक्टर नेगेटिव तो हो नहीं सकते। एक फैक्टर पॉजिटिव होगा एक फैक्टर नेगेटिव होगा, और जो पॉजिटिव फैक्टर होगा वो बड़ा होना चाहिए, तभी तो सम प्लस का 5 आएगा। जब एक फैक्टर पॉजिटिव है एक फैक्टर नेगेटिव है तो दोनों को ऐड करने पर एक्चुअल में उनका सम नहीं उनका डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 636 इंटू 4 के ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 5 है। अब समझ में आया, और मैंने आपको बता रखा है जैसे जैसे फैक्टर्स क्लोज होते हैं वैसे वैसे उनका डिफरेंस छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे फैक्टर्स क्लोज होंगे उनका डिफरेंस छोटा होता जाएगा और साथ ही साथ उनका सम भी छोटा होता जाएगा। अब एकदम से तो नहीं दिखता है, तो 636 को आप ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करोगे, किसी भी दो पार्ट से ब्रेक कर लो जिसमें आपको दिख रहा है। तो ये 636 आपको 104 106 into 6
ऐसा दिख रहा है कुछ इंटू फोर, ठीक है। अब समझ में आता है कि 106 अभी भी ब्रेक हो सकता है, और ब्रेक कर लेते हैं 53 इंटू टू इंटू सिक्स इंटू फोर, तो यहाँ से हमें दो फैक्टर मिलते हैं। देखो 53 इंटू टू इंटू सिक्स इंटू फोर को मिला देता हूँ तो 48 हो जाता है। दिस इज हाउ क्लियरली पता चल गया कि हमारे जो दो फैक्टर है वो 53 और 48। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करें सर, कॉमन लेने में आसानी होगी, इसको 48 बना देते। वैसे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आप पहले क्या लिख रहे हो बाद में क्या लिख रहे हो, कॉमन ओमन लेने में आसानी हो जाएगी, तो इसलिए 4 के साथ 48 रख दे रहा हूँ और 53 अलग से रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रेक कर दिया हमने, 4n कॉमन लेते हैं, अंतर क्या बचेगा, अंतर बचेगा n माइनस 12 और यहाँ से 53 कॉमन ले लेते हैं प्लस का, तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 12। तो फिर से आप देख सकते हो दो फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे इसके, n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 is equal to zero, तो n का वैल्यू 12 हो सकता है या फिर n का वैल्यू माइनस का 53 हो सकता है। तो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और आपको सम दे रखा है तो आपको देखते ही पहचान लेना चाहिए कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये कि जब n यहाँ से n गायब है, ये देखो ये n अपने को मालूम नहीं है, ये n अपने को मालूम नहीं है, तो जब मैं उसकी जगह वेरिएबल रख के इसको सॉल्व करूंगा तो n into n n स्क्वायर में चला जाएगा और क्वाड्रेटिक बनेगी। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस लॉजिक। अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ सर। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। सो वी हैव बीन गिवन द फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म इज 45, sum of n terms is equal to 400। sum of n terms कह सकते हो या आप कह सकते हो कि last term का जो भी number है वहां तक। और हमें find क्या करना है, हमको n का value find करना है और n की value के साथ साथ हमें common difference भी find करना है। तो अब सर क्या करें, फॉर्मूले में रखते हैं इसको, 400 इज इक्वल टू n बाय 2। एक तो लॉजिक बता रहा हूं जो स्कूल में टीचर्स बताते हैं, ठीक है, 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d, और d का वैल्यू भी हमको मालूम नहीं है इधर,
डी का वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ हमारी एक इक्वेशन बनेगी। यहां पर सबसे पहले ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी यहां पर, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर वन है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चा यहाँ क्या फेस करेगा कि वो ये तो कह देगा ये इक्वेशन नंबर वन है, लेकिन इस इक्वेशन से वो किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएगा। उसका रीजन क्या है? दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, कैसे सॉल्व करे सर? अब बच्चे का दिमाग काम नहीं करता, उसका दिमाग ठस हो जाएगा यहाँ पर। सर अब मैं क्या करूं इस केस में? तो आपको यहाँ पर एन या डी में से किसी एक का वैल्यू या तो पता लग जाए, या फिर आप एन और डी की फॉर्म में कोई दूसरी इक्वेशन पुट करो जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सके, क्योंकि दो अननोन वेरिएबल है, एक इक्वेशन से तो काम चलेगा नहीं, दो इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो अब सर क्या किया जाए ऐसे केस में? तो सर बच्चों का दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं कि देखो बेटा जो हमारी लास्ट टर्म है वही हमारी एंथ टर्म भी तो बच जाएगी यहां पर। तो हमारी फर्स्ट टर्म यहां पर दे रखी है 5, इस 45 का नंबर निकालना है हमें जो मालूम नहीं, तो मैंने इसको एंथ टर्म मान लिया यहां पर, समझ में आ रहा है? तो यहां से आपकी दूसरी इक्वेशन जनरेट होगी, n theta is equal to a plus n minus 1 into d। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो और अपने n और d का वैल्यू निकाल सकते हो। ये अप्रोच आपको स्कूल में सिखाई जाएगी, तो आप कहोगे स्कूल में जो सिखा रहे हैं आप भी तो वही सिखाओगे, ऐसा नहीं है। ये तो आप सॉल्व कर, बस इसे समझा दो सर। ये पहली इक्वेशन समझ में आ गई आपको? पहली सर। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी देखो पहली इक्वेशन में दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, मैं आंसर थोड़ी निकाल पाऊंगा, वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी निकल पाएगी। एन और डी ई की वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक है। अब मुझे कोई दूसरी इक्वेशन यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, दूसरी इक्वेशन मेरे को यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, और जब तक मैं दूसरी इक्वेशन पुट नहीं करूंगा तब तक मेरा आंसर नहीं निकलेगा यहाँ पर। तो मैंने दूसरी इक्वेशन कहाँ से पुट की? मैंने दूसरी इक्वेशन पुट करी यहाँ से, कि ये दिमाग नहीं काम करता बच्चे का, वही समझा रहा हूँ। ये जो लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म जो 45 दे रखी है, दिस लास्ट टर्म 45 can also be treated as the nth term of the AP, because जहां तक सीरीज जा रही है, जो हमारी लास्ट टर्म है वही तो हमारी nth term भी बन जाएगी। अगर मैं फर्स्ट टर्म A को कंसिडर कर रहा हूँ, भाई लास्ट टर्म का जो भी नंबर होगा उतनी ही तो टर्म्स होंगी AP में, तो n का वैल्यू वही होगा जो उस लास्ट टर्म का नंबर है। तो यहां से मैंने इस 45 को nth टर्म ट्रीट किया, ये मेरी फर्स्ट टर्म 5 दे ही रखी है, और n का वैल्यू इस लास्ट टर्म का नंबर हो गया। लास्ट टर्म का जितना नंबर होगा वही हमारा n का वैल्यू भी होने वाला है। अब एपी में 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म का नंबर 50 ही होगा ना भाई। तो हमने इसको nth टर्म मानकर इस तरीके से फॉर्मूले में पुट कर दिया। अभी देखो nth टर्म 45 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इनटू d, क्लियर हुआ? सो दिस इज हाउ दो इक्वेशन हमारी बन जाएंगी, दो अननोन वेरिएबल हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। बोलो तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, आप कहो तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। दिखा दो एक बार, है ना, सॉल्व कर देता हूँ इसको। अब देखो एक तो तरीका है कि आप इसको टू वेरिएबल इक्वेशन की तरह लेकर चलो,
और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी समझदारी दिखाओ यहाँ पर। ये देखो समझदारी कैसे दिखानी है, ये 2 × 5 + (n-1) × d, ये जो यहां से यहां तक आप देख रहे हो, अरे भाई जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में हम यही तो लगाते हैं, SN के फॉर्मूले में n/2a + (n-1) × d, क्योंकि अगर आप सिंपल तरीके से सॉल्व करने लगोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको तकलीफ हो जाएगी सर। तो ये हमारा सम का फॉर्मूला है भाई, हम सम के फॉर्मूले को और nth टर्म के फॉर्मूले को भी तो इक्वेट कर रहे हैं, तो ये हमारे सम का फॉर्मूला है। इस सम के फॉर्मूले को और इस nth टर्म के फॉर्मूले को हम यहाँ पर इक्वेट कर रहे हैं। आपको इतना दिमाग यहाँ पर लगाना चाहिए कि सर ये जो nth टर्म की वैल्यू है, ध्यान से देखो, ये nth टर्म की वैल्यू आपको यहाँ पर कॉमन मिलती हुई दिख रही है, ये देखो 2a + (n-1) × d है, ये यहाँ पर a + (n-1) × d है, ठीक है। तो ये जो 2a है, इस 2a को मैं अलग कर देता हूं ना, नहीं आया समझ में, मैं समझाता हूं, इसको आप यहां पर ले लो 400 इज इक्वल टू (n/2) और ये जो 2 × 5 आपने लिखा है इसको मैं ऐसे लिख दू 5 + 5, 2 × 5 को 5 + 5 लिख दो, 2 × 5 को मैंने 5 + 5 लिख दिया, ठीक है, ठीक है, (n-1) × d, ऐसा। अब सर ऐसा लिखने की वजह क्या थी, ऐसा लिखने की वजह ये थी कि यहां पर ये जो आप 5 + (n-1) × d देख रहे हैं, वो 5 + (n-d) का वैल्यू आप सीधा सीधा उठाकर यहां रख सकते हो, ये वैल्यू आप सीधा सीधा उठाकर यहां रख सकते हो, ठीक है। अभी भी नहीं आया समझ में, ये जो 2 × 5 था, 2 × 5 को मैंने ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक कर दिया, ऐसे 5 + 5, अभी समझ में आया, तो इसको उठा के मैं सीधा सीधा यहां पर रख सकता हूं, कितना मिलेगा मेरे को, या तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा या फिर मैं नहीं बता पा रहा हूं, एक ही चीज हो सकती है, 5 + 45, 5 + (n-1) × d का वैल्यू 45 है, वो उठा के रख दिया हमने यहां। अब सीधा आप n की वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हो, क्या मिलेगा देखो, 800 इज इक्वल टू 50 n, यार मुझे करना पड़ेगा, 50 n इज इक्वल टू 800, n का वैल्यू हो गया 16, आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोल दो, हाँ या ना तो बोल दो, आवाज नहीं आ रही क्या, नहीं आ रही क्या आवाज, दूसरा मेथड आप सर? यहां पर समझ लीजिए, आपको सम का एक और फॉर्मूला दिया गया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखी है तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 × नंबर ऑफ टर्म्स आपको सम दे देगा। तो यहां पे आप देखो,
ये कब लगेगा? जब हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो हमारा जो सम है 400 दैट इज इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इनटू n। तो लास्ट टर्म क्या है हमारी 45, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 5, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n हो गई, 2 से डिवाइड कर दे सर, और वैल्यू इक्वेट कर दी हमने क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है ना, 400 इज इक्वल टू 50/2 यानी कि 25 n, और n का वैल्यू 25 400 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 16। कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा सीधा n का वैल्यू निकाल सकते हो। जब n का वैल्यू मिल गया तो कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? जो 45 है हमारा, वो 45 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी से मिलेगा ना, यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी से मिलेगा। तो यहां से आप d का वैल्यू भी निकाल सकते हो, d का वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या मिल रहा है d का वैल्यू, क्या मिल रहा है d का वैल्यू? is equal to 15d, यानी कि d का वैल्यू आ गया आपका 40/15, बोले तो 8/3, खत्म। अब बच्चा पूछे सर क्या 8/3 वैल्यू हो सकता है d का? बिल्कुल हो सकता है सर, आपको मैंने बताया कि जो d है हमारा, वो डी हमारा कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, ऐसी बोला था ना, ठीक है या नहीं? यस सर। सर वो मेरा नेटवर्क पर बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वहां जबर कर ज्योति मोहन ने भी छोड़ दिया। क्या कह रहे हो आप सर? नेटवर्क बहुत स्लो है, बार बार क्लास कट जा रही है। ज्योति मोहन जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर पढ़ लो, मैं तो बोल ही रहा हूँ। आ गया ज्योति में तुम्हारा दोस्त भी आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अरे ज्योति में भैया समझ में आया आपको? हाँ सर। लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन टू इनटू नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला सीधा सीधा लगा लोगे तो सीधी एंड टर्म का वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है सर। बाकी आप प्लीज कल पढ़ा लेंगे सर, आज मेरे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब 10-15 मिनट तो रह गया और पढ़ी लो, एक दो सवाल और है बस। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 3350। तो फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 17 और लास्ट टर्म हमें दे रखी है 350। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 9 दे रखा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? अपने को क्या करना है, अपने को n का वैल्यू निकालना है और अपने को sn निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाले। तो नंबर ऑफ टर्म्स का अब मैं आपको दोनों मेथड समझाऊंगा, जो पसंद आए वो करते जाना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मैं आपको स्कूल के मेथड दिखाता हूँ, बाकी फिर राइट हैंड साइड में आपको दूसरे मेथड दिखाऊंगा जो ऑल्टरनेटिवली हमने आपको एक्सप्लेन किए। तो यहाँ पर देखो जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है वो nth टर्म के कॉन्सेप्ट से ही आ जाएगी, कि भाई जो हमारी 350 है वो मेरी लास्ट टर्म है, उसे मैं nth टर्म मान लेता हूँ। तो मेरी जो ये nth टर्म है दैट इज 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है? 9 है यहाँ पर। तो सीधा सीधा हमें यहाँ पर एन का वैल्यू मिल जाएगा 17 प्लस 8 एन, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? अब सर 17 इधर भेज दो, गड़बड़ हो रही है क्या? होनी तो नहीं चाहिए। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा हाँ है या सर, नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 7 की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म दे रखी है 70, लास्ट टर्म दे रखी है 350, आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9, पूछ रहा है कितनी टर्म्स हैं, और जो भी टर्म्स यहाँ पर निकल कर आएंगी उन टर्म्स का सम कितना होगा। तो सर जो हमारी लास्ट टर्म है उस लास्ट टर्म को हम लोगों ने क्या मान लिया? क्या मान लिया लास्ट टर्म को? कमाल हो गया, नहीं है मन पढ़ने का? कल पढ़ लो, तकलीफ हो रही है तो। नहीं सर, वो नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से बाद बीच बीच में रुक जा रही है आवाज। यहाँ कुछ गड़बड़ भी है, तो वहां पर 9n-8 होगा। वही कर रहा हूँ सर, 9n-9 होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 350 निकल कर आता है 8 प्लस 9 एन, और 8 एन का वैल्यू हमारा आया 342, और एन का वैल्यू हमारा आया 342 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि एन का वैल्यू हो गया हमारा 342 डिवाइडेड बाय 8। करो डिवाइड, कितना आ रहा है? अभी भी घपला हो रहा है यार, 17 से 9 हो गया 9 प्लस 8 10 होगा। 9 एन होगा ना, 9 एन 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे इसे तो हमें मिलेगा 38। तो 38 टर्म्स है यहाँ पर। एस एन निकालना है आपको, तो एस एन आप निकाल सकते हो 38 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू है 38 और डी का वैल्यू है 9, तो यहां से हमारा एस एन आ गया 19 इंटू 34 प्लस 37 इंटू 9,
37 इंटू 9 हमारा बनता है 343, सही कह रहा हूं? 37 इंटू 9 हमारा कितना बनेगा? 37 इंटू 9 हमारा बनेगा 343 या ट्रिपल 3 होगा, ठीक है। और यहां से 19 इंटू क्या कर सकते हैं, 19 इंटू ये हो गया हमारा 367, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ सर, आवाज भी आ रही है, क्या परेशानी है? तो ये है हमारा तरीका सर, आपकी बुक के हिसाब से, आपके फॉर्मूले के हिसाब से। पर अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है तो मैं आपको एक और तरीका यहाँ पर समझाता हूँ। मैंने आपको डायरेक्ट बोला था अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहते हैं तो आप लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करके भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तब लगाते हैं जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखी हो। तो लास्ट टर्म कितनी है हमारी 350, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 70। इसको हम डिवाइड करें नंबर ऑफ टर्म्स से यानी कि 9 से, सॉरी कॉमन डिफरेंस से यानी कि 9 से, और लास्ट में प्लस 1 कर देंगे। तो सर यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्टली मिल जाएंगी, और जब आप सॉल्व करोगे तो ये 37 प्लस 1 आपको 38 टर्म्स यहाँ पर आती दिखाई देंगी सीधा सीधा, ठीक है। जैसे ही 38 टर्म्स निकली उसके बाद आप SN के फॉर्मूले के लिए, जरूरी नहीं कि ये n by 2 into 2a plus n minus 1 into d वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करें। आपके पास लास्ट टर्म है तो वो सेम कॉन्सेप्ट ही यूज कर सकते हैं जो पीछे बताया अभी मैंने, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 into नंबर ऑफ टर्म्स। तो लास्ट टर्म हमारी है 350, फर्स्ट टर्म है हमारी 17, और इसको डिवाइड कर दें 2 से और मल्टीप्लाई कर लें नंबर ऑफ टर्म्स से यानी कि 38, ठीक है, तो भी हमें सम मिल जाएगा। और अब मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं जो आपको ज्यादा इजी पड़ेंगे, आप जल्दी निकाल भी पाओगे। तो सर यहां से हमारा SN आ गया 6973, सॉल्व कर लीजिएगा ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो अब आप कुछ समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आ करो यार साथ साथ में तुम। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है Find the sum of first 22 terms of AP in which D is 7. आपको S22 find करना है, जहां पर D का value आपको दिया है 7। ऐसे इकट्ठा करो करो, पहले जितने ingredient है सारी information इकट्ठी करा करो, ठीक है, फिर उसके बाद D करा करो। और आपको A22 दे रखा है, A22 दे रखा है 149। तो क्या करें सर यहाँ पर, सम कैसे निकालें? तो बेटा देखो, आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं है यहाँ पर, तो पहले आपको फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। आपको ये सोचना है कि S22 फाइंड करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स तो है 22, और ये छुपी हुई होती है नंबर ऑफ टर्म्स, देखो अलग से नहीं दिया उसने। जब वो S22 पूछ रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 22 है। फर्स्ट टर्म नहीं है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं है यहाँ पर, तो पहले फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी।
दिस इज हाउ इट वर्क्स. जो रिक्वायरमेंट है पहले वो सोचो क्या है हमारी. सो 149 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी. डी का वैल्यू है 7, तो यहां से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं हम लोग. तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7. 21 इंटू 7 कितना होगा? 147. तो ए का वैल्यू हो गया हमारा 2. ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गई हमारी. अब जब हम S22 फाइंड करेंगे तो S22 हमारा n by 2 into 2a यानी कि 2 into 2 plus 22 minus 1 into d यानी कि 7. ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा हमको. तो ये हो गया हमारा 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7 हमारा हो गया 147. तो यहां से हमें मिलता है 11 इंटू 151. तो 11 इंटू 151 15,100 में 151 ऐड कर दो. 15,100 में 151 ऐड कर दो, ऐसा हो जाएगा. ये हमारा आंसर हो गया सर क्वेश्चन नंबर 7. बाकी कल देखेंगे, नेटवर्क की दिक्कत है तो फिर कल निपटाएंगे नेटवर्क. फिर मेरे को आपको केस स्टडीज भी करवानी है इसकी, सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज करवाऊंगा मैं. इससे रिवीजन भी हो जाएगा आपका और जो है वो आपका केस स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा रहेगा उससे. ओके सर, अभी कोई फाइट है तो बताओ. नहीं है सर.